गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णया हत्याकांड मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की पूरी तरह से रिहाई होने के बाद एक और जहां उनकी समर्थकों में खुशी देखी जा रही है, वहीं पूर्व सांसद आनंद मोहन से मिलने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों से भारी संख्या में उनके समर्थक सहरसा पहुंचे। सहरसा पहुंचने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन से मिलने के लिए सुबह से ही लोग सर्किट हाउस समेत विभिन्न जगह पर नजर आ रहे थे। ऐसे में पूर्व सांसद आनंद मोहन का स्वागत करने के लिए गाने गाजे बाजे का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद आनंद मोहन अपने गांव पंचकछिया में रुके। वहीं लोगों को जैसे ही आनंद मोहन के सर्किट हाउस आने की सूचना मिली तो लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र और शिवहर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पुत्री एडवोकेट सुरभि आनंद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि उनके पिता पटना के लिए रवाना हो चुके हैं, पटना के बाद देहरादून जाएंगे। आप सब देहरादून को निकल रहे हैं चेतन? बहुत जल्द आप लोग को हम ये कहेंगे, हम लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, आप लोग हमारी शादी है, इसीलिए अपने लोगों को भी हम बोलने के लिए आए हैं कि उसी डिसीजन को देखते हुए, क्योंकि घर पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी और माँ पिताजी को जाना ज़रूरी था, है ना। तो हम आप सभी लोग को कहेंगे कि आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे, हमारी जो नई वाइफ होने वाली है, मतलब हमारी जो वाइफ होने वाली है, हाँ वो जो जोड़ी है वो सलामत रहे, इसकी दुआ और जी जी जी। हम लोग हम लोग चाहिए ना आप लोग आए, इसलिए बढ़ गई कि आने वाले बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं।